अमेरिका का कौमी तराना दुरुस्त अंदाज में परफॉर्म करना आम लोगों के लिए चैलेंज हो सकता है और 8 से 17 साल की उम्रों के 2 दर्जन से ज्यादा इन नौजवानों को बाल्टीमोर के मकबूल सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के साथ परफॉर्म करने का एजाज हासिल करने के लिए एक मुकाबले में अमरीकी तराना ही गाने को दिया गया। लॉरा फार्मर जजेस में से एक थी। We have 4 judges. हम 4 जजेस गाने की सलाहियत, अंदाज, लय, स्टेज प्रेजेंस, जाहिरी शख्सियत और ऑफ कोर्स ऊंचे सुर को देखकर सिंगर्स की ग्रेडिंग करते हैं। ऊंचे सुर इसलिए कि उनको अपनी आवाज सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा से ऊंची उठानी होगी। इस साल की विनर कैसिडी हैमिल्टन को इसमें कोई मसला नहीं हुआ होगा। मेरा मौसीकी से इश्क प्राइमरी स्कूल से शुरू हुआ, लेकिन ये एहसास कि अब मुझे सारी उम्र यही करना है 14 साल की उम्र में हुआ। लैरी फ्रीडमैन रियासत मैरीलैंड की रिहायशी कैसिडी के गाने के उस्ताद हैं। इसकी उम्र के बहुत कम लोगों को सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के साथ गाने का मौका मिलता है। अडेलिया को ये मौका 3 साल पहले मिला था जब वो सिर्फ 11 साल की थी। वो कैसिडी को ये मशवरा देती हैं। Not to be nervous and just नर्वस ना हो और मुकाबले को एंजॉय करें, क्योंकि ये चुटकी बजाते में खत्म हो जाएगा। अपनी जीत के बाद से अडेलिया कई मरतबा परफॉर्म कर चुकी हैं और सिर्फ बाल्टीमोर सिम्फनी के साथ ही नहीं। और अगरचे ऑडियंस के सामने ये कैसिडी की पहली परफॉर्मेंस नहीं होगी, वो जानती हैं कि ये बहुत खास होगी। I'm excited. मैं बहुत एक्साइटेड और शिद्दत से इसकी मुंतजर हूँ।